पर आप देख सकते हैं ये पलट गया था, ये लाइव वीडियो देख सकते हैं। अब इसको सीधा किया जा रहा है, क्रेन के माध्यम से सीधा किया जा रहा है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं एक्सीडेंट हुई, गाड़ी को तो साइड में कर दिया गया और अब जो रेलिंग बीच में पड़ी है ताकि कोई और बड़ी सड़क दुर्घटना ना हो उसको भी अब साइड में किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ देर के लिए जो ये गाड़ियां हैं उनको रुकवा दिया गया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां हम आपको बता दें कि ये कैंटर जो आप सामने देख रहे हैं अचानक से सवेरे 3 बजे पलट जाता है और जब ड्राइवर से इसका कारण पूछा जाता है तो ड्राइवर ये बताता है कि इसे नींद की झपकी आती है और वो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था और इसके अंदर जो ये ट्रक है इसके अंदर जो है रोल पेपर बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवर को नींद की झपकी आती है और डिवाइडर को तोड़ता हुआ दूसरे हाईवे से ये इस तरफ मौके पर आ जाता है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी रेलिंग्स को तोड़ता हुआ और कहीं ना कहीं पूरे हाईवे पर ट्रैफिक जाम जरूर लग जाता है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है और हाइड्रा की मदद से, हालांकि इसको साइड यहां से किया गया और अभी भी जो है आप देख सकते हैं किस तरह से हाइड्रा की मदद से इसको और साइड किया जा रहा है ताकि कोई और दूसरा हादसा ना हो सके। तो तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक है वो संतुलित होकर डिवाइडर तोड़ देता है और बुरी तरह से आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे जाम हो जाता है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। और क्रेन की मदद से इस एक्सीडेंट हुए कैंटर को साइड में कर दिया गया नेशनल हाईवे पर, जहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्रेन के माध्यम से इस कैंटर ट्रक को सीधा किया जा रहा है, कैंटर ट्रक से सीधा किया जा रहा है। एक्सीडेंट हो गया था और बीच हाईवे पर आप देख सकते हैं ये पलट गया था, ये लाइव वीडियो देख सकते हैं। अब इसको सीधा किया जा रहा है, क्रेन के माध्यम से सीधा किया जा रहा है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और इसको साइड में लगा दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे हादसा कैसे हुआ। हाईवे पर आप देख सकते हैं एक तरह से व्हीकल्स को रोक दिया गया, ये चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था कि तभी असंतुलित होकर यहाँ पर पलट जाता है, इस पूरी रेलिंग को तोड़ता हुआ आप देख सकते हैं ये पलट जाता है और इस समय हाईवे पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। और इसको आप देख सकते हैं क्रेन के माध्यम से पुलिस की जो टीमें हैं वो साइड में करवाती हुई नजर आ रही है। सावधानी से गाड़ियां जरूर चलाएं, हालांकि हादसा होने का कहा कारण क्या है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर है, उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सीडेंट हुई, गाड़ी को तो साइड में कर दिया गया और अब जो रेलिंग बीच में पड़ी है ताकि कोई और बड़ी सड़क दुर्घटना ना हो उसको भी अब साइड में किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ देर के लिए जो ये गाड़ियां हैं उनको रुकवा दिया गया। और अब आप देख सकते हैं क्रेन के माध्यम से एक साइड से जो रेलिंग इस समय सड़कों पर आई हुई है उसको साइड में कर दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे से देख सकते हैं, नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, हाईवे पर जाम लग चुका है, उसको अब खुलवा दिया गया, ट्रक को जो है सीधा कर दिया गया। इस समय आप देख सकते हैं, तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि शायद नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ और सुबह 3-4 बजे के करीब जो है यह हादसा होता है। और अब आप देख सकते हैं पूरी की रेलिंग टूट चुकी है, ट्रक जो था कैंटर ट्रक जो था वो दूसरी तरफ आकर पलट जाता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, ये नंबर भी आप देख सकते हैं, मौके से नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। बुरी तरह से आप देख सकते हैं रेलिंग को तकना चूर कर दिया जाता है, पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है और कैंटर ट्रक को
हालांकि क्रेन के माध्यम से साइड में कर दिया गया। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी लगी थी जैसे एक्सीडेंट हुआ? ये स्पीड में होने के कारण बैलेंस खराब हो गया था इसका, इसमें रेलिंग में टक्कर लगी, पलट इस कारण पलट गया। ये तो कितने बजे हुआ सर? ये अभी एक घंटा पहले। और ड्राइवर की हालत कैसी है? ठीक है। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि बड़ा हादसा हुआ, कुछ ही देर पहले ही हादसा होता है और इस समय आप देख सकते हैं रेलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो रोड पर बिखरे पड़े हैं। अब इस रेलिंग को भी क्रेन के माध्यम से साइड में किया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो जाम लग गया था उसको थोड़ा साइड में करवाते हुए पुलिस कर्मचारी अधिकारी, ताकि जो काफी लंबा जाम लग चुका था, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि कैंटर ट्रक को साइड में करवाने के लिए जो है आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए व्हीकल्स को रोक देना पड़ा, और अब आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी रेलिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी रेलिंग्स इस समय रोड के बीचों बीच पड़ी हैं, उसको अब क्रेन के माध्यम से साइड में कराया जाएगा, क्योंकि जब ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए फिर रोका जाएगा और क्रेन के माध्यम से इस बड़ी बड़ी रेलिंग्स को साइड में कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई और बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि रोड पर आप देख सकते हैं ये भारी भरकम जो रेलिंग्स हैं वो आ चुकी है, क्योंकि टक्कर बहुत ही भयानक रही थी। कैंटर ट्रक जो है बताया जा रहा है चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहा था, नींद की झपकी हुई या किसी ने साइड दे मारी, उसके कारण जो है रेलिंग्स तोड़ता हुआ दूसरी तरफ जाके ये पलट जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं नेशनल हाईवे से देख सकते हैं। एक तरफ से पूरे ट्रैफिक को जो है रुकवा दिया गया था, जिसके चलते हाईवे पर आप देख सकते हैं जाम भी लग जाता है, हाईवे पर जाम भी लग जाता है। और अब आप देख सकते हैं इन गाड़ियों को साइड में कराया जा रहा है, ताकि जो कैंटर ट्रक है उसको हालांकि साइड में कर दिया गया। और ये लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं अब गाड़ियां यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें नेशनल हाईवे करनाल से, इस समय आप देख सकते हैं कैंटर ट्रक अचानक जो है असंतुलित होकर दूसरी तरफ आ जाता है। तो शुक्र रहा कि सामने से कोई गाड़ियां या बाइक चालक नहीं आ रहे थे, नहीं तो बड़ा हादसा नेशनल हाईवे करनाल पे हो सकता था। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक्सीडेंट हो गया था, ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं SHO सदर मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कैंटर ट्रक को साइड में कर दिया गया और SHO इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से, इस समय आप देख सकते हैं जहां पर एक्सीडेंट हो गया और कैंटर ट्रक जो है अचानक असंतुलित होकर पलट जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इस रेलिंग्स को जो है क्रेन के माध्यम से साइड में कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा हादसा होता है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे से देख सकते हैं, नेशनल हाईवे करनाल से देख सकते हैं। पलट गया था और क्रेन के माध्यम से अब उसको साइड में कर दिया गया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं जो भारी भरकम रेलिंग्स हैं वो अभी भी सड़क पर है और अब उनको भी क्रेन के माध्यम से साइड में किया जाएगा, ताकि कोई और बड़ा सड़क हादसा ना हो पाए। ये लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं। डायल 112 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है। एक बड़ा हादसा हुआ है नेशनल हाईवे पर, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाता हुआ जो कैंटर ट्रक था वो रेलिंग्स को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ आ जाता है और अब इन रेलिंग्स को भी साइड में कर दिया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं। हाईवे पर जाम लग गया था, क्रेन को बुला लिया गया था और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है।